नमस्कार, बीएड सेकंड ईयर थर्ड पेपर और हम लोग जो यूनिसेफ द्वारा विश्व घोषणा की गई थी उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कार्यकारी योजना कि जब पहले तो ये सारी चीज़ें बताई गई कि किस किस पक्ष पर बातें रखी गई। दूसरी बात घोषणा की गई कि अब हमें करना क्या है। अब बात की हमने कार्यकारी योजना कि जो कार्य करना है वो बात की है। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कार्यकारी योजना के अंतर्गत किस प्रकार कार्य किया गया। तो पहला जो हमारा बिंदु है वो है उत्तरदायित्व। देखिए, जब हम बात कर रहे थे कि जो बालक है उनकी उत्तरजीविता, संरक्षण के अधिकार और उनके विकास की बात की, ठीक है। अब उससे संबंधित हमने घोषणाएं देखी कि भाई ऐसा किया जा सकता है, इन चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा, ये हम बच्चों को अवसर के अधिकार प्रदान कर सकते हैं। तो उनका उत्तरदायित्व कौन लेगा? तो जब योजना बनाई जाएगी तो सभी को उत्तरदायित्व दिया जाएगा। भाई अगर राष्ट्रीय योजना बनाएगा तो राष्ट्र स्तर पर उत्तरदायित्व दिए जाएंगे, राष्ट्र से स्टेट पर आएगा, भाई राज्य है वो उत्तरदायित्व लेंगे, राज्य से शहरों तक आएंगे, ठीक है, जिलों तक आएंगे, जिलों से फिर शहरों तक आएंगे, फिर जो विद्यालय, फिर बात आएगी विद्यालय की, तो विद्यालय प्रशासन उसके भी क्या उत्तरदायित्व है, शिक्षक के क्या उत्तरदायित्व है, अभिभावक जो कि एक मेन भूमिका निभाता है उसके क्या उत्तरदायित्व है, साथ ही साथ समाज के भी उत्तरदायित्व के अंतर्गत शामिल किया गया है। जब ये कार्यकारी योजना बनाई जाएगी तो राष्ट्र से लेकर अभिभावक तक सभी को अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा, तभी हम हमारे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो लक्ष्य है जिसके अंतर्गत हम लोग समावेशी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना चाह रहे हैं वो लक्ष्य हमारा पूरा होगा। तो पहला टॉपिक है कार्यकारी योजना में उत्तरदायित्व। कार्य करने की योजना में सभी अपने अपने उत्तरदायित्व को भली भांति से निभाएंगे। दूसरा है सकारात्मक नीतियों का निर्माण। दूसरी बात जो कही गई वो थी सकारात्मक नीतियों का निर्माण, मतलब कि जब ये योजना बनाई जाएगी तो नीतियां कौन कौन सी अपनानी होगी, तो वो सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक नीतियां, मतलब जो भी कार्य किया जाए किन नीतियों पर चलकर किया जाए तो वो सकारात्मक। ऐसा नहीं कि हम लोग ये सोचे कि ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो ये नेगेटिव सोच आ गई। नेगेटिव सोच को अलग हटाते हुए सकारात्मक सोच को वहां पर विकसित करते हुए सकारात्मक नीतियों को अपनाते हुए कार्य किया जाएगा। जब कार्यकारी योजना बनाई जाएगी, जब इस विषय पर उत्तरजीविता, संरक्षण, विकास, अधिकार जब बच्चों को दिया जाएगा, तो देने के लिए जब उत्तरदायित्वों के अंतर्गत जो नीतियां अपनाई जाएगी वो सकारात्मक नीतियों को अपनाना होगा, तभी हम अपना लक्ष्य पूर्ण कर पाएंगे। नेक्स्ट बिंदु वो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए तात्पर्य है कि जब हम कार्य करेंगे तो हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होगी, इसीलिए हमारे जो आपसी संबंध है वो कैसे रखने होंगे, वो प्रेम पूर्ण विश्व बंधुत्व वाले ऐसे संबंध रखने होंगे, तभी कोई हमें सहयोग प्रदान करेगा। भाई किसी व्यक्ति से हम लोग अच्छी तरह से बात करेंगे, अच्छा व्यवहार रहेंगे, तभी तो वो हमें सहयोग देगा। यदि अगर हम व्यक्ति से बात भी अच्छी तरह के नहीं कर रहे हैं, हम उसे किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान कर ही नहीं रहे, तो अगला बंदा क्यों हमारी सहायता करना पसंद करेगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को लेते हुए यदि हम सहयोग करेंगे तो कोई व्यक्ति भी आगे आकर हमें सहयोग करेगा, क्योंकि हमें सभी को साथ लेकर चलना है, हमारा जो लक्ष्य है पूरे राष्ट्र को लेकर लक्ष्य है। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कार्यकारी योजना में स्थान दिया जाए। नेक्स्ट है क्रियान्वयन। अब योजना जब बनाई जाएगी तो उसका क्रियान्वयन प्रथम
एक साथ हो, क्रियान्वयन की जो व्यवस्था है उसकी ओर भी ध्यान रखना होगा कि हमें क्रियान्वयन किस प्रकार का करना है, किसको किस प्रकार का कार्य देना है और कब कैसे क्या क्रियान्वित करना है, वो सारा लिखा होगा इसके अंतर्गत आएगा। तो कार्यकारी योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन की भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और उसको ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्र, राज्य, जिला और शहर सभी स्तर पर अलग अलग प्रकार के क्रियान्वयन की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है समावेशी विद्यालयों की स्थापना। समावेशी विद्यालय जब समावेशी शिक्षा दी जा रही है तो क्यों ना समावेशी विद्यालय की स्थापना की जाए। तो सरकार ने अपना कदम बढ़ा चुकी है, सरकार है समावेशी विद्यालय की स्थापना वर्तमान में जो कर रही है उससे हमारा जो लक्ष्य है वो कहीं दूर नहीं है, वो लक्ष्य हमारे पास ही है। तो कार्यकारी योजनाओं के अंतर्गत भी इसे ध्यान में रखा जाए कि हमें समावेशी विद्यालय की स्थापना करनी है, क्योंकि जहाँ समावेशी विद्यालय के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट विद्यार्थियों को हम एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में एक ही प्रकार की शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो यदि अगर ये लक्ष्य जो हमारा पूरा हो जाएगा समावेशी विद्यालय का, तो हमें कहीं पर भी विशिष्ट विद्यालयों को देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जब कार्यकारी योजना बनाई जाए तो वहाँ पर समावेशी विद्यालयों की स्थापना के लक्ष्य को भी ध्यान में रखा जाए, जिससे कि जो विद्यार्थी हैं अपवंचित हैं, पिछड़े हैं, विकलांगता से ग्रसित हैं, वो बालक इन विद्यालयों में आसानी से शिक्षा को ग्रहण कर सके और हम हमारा लक्ष्य है वो प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अब शिक्षा का सार्वभौमिकरण से क्या तात्पर्य, यहाँ पर क्यों लिया गया कार्यकारी योजना में? तो भाई एक व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा होगा तभी तो जो हम योजना चलाने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता। तो सबसे पहला कार्य है सभी लोग शिक्षित हों, इसको ध्यान में रखा जाए। साक्षरता है वो एक ऐसी चीज है जिससे कि सभी लोग अपने अधिकारों अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो जाते हैं, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम माना गया है। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण होने से क्या होगा कि सभी व्यक्ति जो हम जो योजनाएं चलाने जा रहे हैं, अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा ही नहीं तो उन योजना वो योजना कब चलेगी, कैसे चलेगी, क्यों चलेगी, उसके अधिकारी उसे नहीं होंगे। लेकिन यदि व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो उस योजना के बारे में जागरूक रहेगा, वो योजना को समझेगा, वो योजना में भाग लेगा। तो इसीलिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात की गई कि शिक्षा है वो सभी को एक ही प्रकार से दी जाए, जिससे कि जो हमारा शिक्षा का जो लक्ष्य सार्वभौमिकरण का वो कंप्लीट हो जाए और उसके बाद जो हम कार्य करने जा रहे हैं उससे सभी लोग उस कार्य को अवगत हो जाएंगे। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण के बाद भी कार्यकारी योजना के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना से ये होगा कि जो आपसी कलह हैं, आपस में लोग हैं धर्म के, जाति के, संप्रदाय के प्रति जो दंगे फसाद वगैरह होते हैं, यदि अगर वो नहीं होंगे, ठीक है, तो हम जो हमारा लक्ष्य रख रहे हैं, हम जो योजना चला रहे हैं, हम उसे आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की बात की गई है कि जो आपसी संबंध है वो प्रेमपूर्ण पूर्वक हो, बंधुत्व वाले हों, तो जिससे कि हम हमारा जो कार्य है वो आसानी से कर सकेंगे। इसीलिए बात कही गई कार्यकारी योजना में जो योजना बनाई जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना है उसका विशेष ध्यान रखा जाए कि जिससे कि कोई जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति उससे उसे आहत ना पहुंचे और वो चोटिल ना हो। इसीलिए ये कहा गया है कार्यकारी योजना जब बनाई जाए, जब अप्लाई की जाए, क्रियान्वित की जाए, तब इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट है समय सीमा निर्धारण। समय सीमा का निर्धारण, समय सीमा का निर्धारण के अंतर्गत ये बताया गया कि व्यक्ति को समय
बाधित हो या समय के साथ चले, क्योंकि एक समय बीत जाने के बाद आप योजना को जब चलाएंगे तो वो योजना किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए कार्यकारी योजना के अंतर्गत ये बात कही गई है, बताई गई है कि समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि इस समय में हमें इतना कार्य करना है। जैसे कि हमें क्रियान्वयन में बात की गई कि प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है, वही है। प्रथम चरण है उसका समय निर्धारित है कि आपको इतने समय में ये टारगेट पूरा करना है, द्वितीय चरण है इसमें इतना टारगेट पूरा करना है। तो ये जो योजना है उसको क्या करना है, एक समय सीमा निर्धारित करके अप्लाई करनी है। ठीक है, जो उद्घोषणा की गई है उत्तर जीविका संरक्षण विकास और अधिकारों की जो बात की गई है उसको अप्लाई करना है। वे उनको ध्यान में रखते, बच्चों को शिक्षा देते हैं आपको, तो शिक्षा जब आप दे रहे हो उनको ध्यान में रखते, आप शिक्षा दोगे तो एक योजना के अकॉर्डिंग ही देंगे। किसी की निःशुल्क आने वाली शिक्षा है उसका जो प्रावधान है उससे सभी को शिक्षा दी जा रही है, निःशुल्क दी जा रही है, सारे नियमों का पालन किया जा रहा है और किस समय वो अप्लाई की जा रही है वो सारे उसके रूल्स है, रूल्स और रेगुलेशन पर वो चल रही है। तो वो रूल और रेगुलेशन वो उस समय पर डिपेंड करते हैं, उसका समय निश्चित है कि इतने समय में ये शिक्षा दी जाएगी, उसके अलावा वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वही बात है कि जब योजना चलाई जाए तब इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि हम चाह रहे हैं हमारा जो पेपर है उसका नाम ही है समावेशी शिक्षा, कि सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाए, सभी विद्यार्थी एक साथ एक समय एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम को अध्ययन करें। ये बात हम लोगों ने, ये तो जब योजना इस प्रकार की जब योजना चलाई जाएगी तो उसके अंदर भी समय निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट है विश्व बंधुत्व की भावना। विश्व बंधुत्व की भावना, अगली बात की गई है कार्यकारी योजना में विश्व बंधुत्व की भावना कैसे आएगी। तो भाई हमारी योजना इस प्रकार की हो कि जो विश्व को जोड़े रखे, ऐसा नहीं कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे हमारे आप जो आसपास के या पड़ोस के देश से है ना वो हमारे हमारे खिलाफ हो जाए या फिर हमारे विरोध में खड़े हो जाए, हम ऐसा कार्य करें ही नहीं। तो कार्यकारी योजना में विश्व बंधुत्व की भावना को ध्यान में रखा जाए। यहाँ पर तो हम देश में लागू कर रहे हैं, तो देश को अगर हम बांधे रखेंगे, देश एकजुट होकर उस कार्य को करेगा और जब उसके पॉजिटिव फीडबैक हमें देखने को मिलेंगे तो कोई अन्य देश है वो उससे उससे मतलब कि एक मोटिवेट ही होगा, अभिप्रेरित ही होगा, उससे कोई भी बैक नहीं जाएगा या फिर उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि कार्यकारी योजना में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो या विश्व बंधुत्व की भावना को विशेष ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट ऐसे क्षेत्र दसवां बिंदु है हमारा, वो है वैश्विक विकास। वैश्विक विकास योजना कार्यकारी योजना है वो इस प्रकार की हो कि उससे विश्व का विकास हो। हम जब योजना बनाए तो ऐसा नहीं है कि हमें विश्व के, एक तो हमने पढ़ाने की योजना बनाई क्योंकि शिक्षा की बात हो रही है, या हमें शिक्षा के लिए एक ऐसी योजना बनाई कि जिससे हमें विश्व का विकास करने के लिए अलग योजना बनानी पड़े। हमारी शिक्षा इस प्रकार की हो कि हमारा विश्व का विकास हो, मतलब कि जो बालक है वो भावी राष्ट्र का निर्माता बनेगा, वो राष्ट्र का निर्माण करेगा, हम यही आसान से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो हम योजना भी इसी प्रकार की, क्यों ना हम योजना उस प्रकार की बनाएं कि जिससे कि हम शिक्षा के माध्यम से हम विश्व का विकास कर सकें, हमारी जो सोच है वो आगे तक की सोच हो, जिससे कि हम आज का जो हमारा कार्य है वो भविष्य में हमें पॉजिटिव फीडबैक देने लायक हो। तो इस प्रकार से अगर हम कार्य करेंगे तो हमारा विश्व का विकास संभव होगा। फिर है विश्व शांति। विश्व शांति, विश्व शांति, तो विश्व शांति की अगर हम बात करें तो हम ऐसा कोई कार्य न करें शिक्षा के माध्यम से, जो शिक्षा हम दे रहे हैं उसमें ऐसी चीजों को इम्प्रूव न करें जिससे कि हमारे विश्व में अशांति फैल जाए। ठीक है, तो हम ऐसा कार्य करें जिससे कि विश्व है वे हम देश विदेश है वहाँ पर जिस प्रकार के कार्य चल रहे हैं, शिक्षा का जो माध्यम चल रहा है, शिक्षा की जो प्रणालियाँ चल रही है, नीतियाँ चल रही हैं, वो हम अगर किसी के विरोध में अगर उस शिक्षा को लेंगे तो वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, इससे कि विश्व की शांति है वो भंग हो जाएगी। लेकिन हम शिक्षा में ऐसे तथ्यों को जोड़े ही ना और कार्य करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो शिक्षा है वो विश्व का विकास भी करेगी और विश्व में शांति की लहर भी फैलेगी।
एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम पूरे राष्ट्र को एकजुट बना सकते हैं। तो विश्व शांति की कल्पना इस कार्यकारी योजना के अंतर्गत की गई है, जिससे कि संपूर्ण राष्ट्र है, संपूर्ण देश है या विश्व है, वो शांति की अंतर्गत आए, वहां पर अशांति न फैले। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगली जो बात की गई कार्यकारी योजना में वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की गई की गई वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो हम योजना बना रहे हैं तो वहां पर ये अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, इनको स्थान न दिया जाए। देखने का दृष्टिकोण कैसा हो? वैज्ञानिक, मतलब कि प्रयोग किया, रिजल्ट जो मिला उसी को आधार मानकर हमने कार्य किया। तो कार्यकारी योजना के अंतर्गत यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाएगा, इससे कि हमें क्या होगा कि हम जो कार्य करेंगे वो हम एक संतुष्ट होकर कार्य करेंगे। जब राष्ट्र इस योजना को लागू करे तो उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए लागू करे, ऐसी बात बताई गई है। नेक्स्ट है संश्लेषण एवं विश्लेषण। संश्लेषण एवं विश्लेषण, संश्लेषण एवं विश्लेषण किसी भी कार्य का संकुचित रूप होता है संश्लेषण, और किसी भी कार्य का विश्लेषण रूप होता है विश्लेषण। ठीक है, मतलब कि एक तो होता है कि हम ऑल ऑफ देखकर एक सारगर्भित अर्थ पर पहुंचते हैं, और एक होता है उसी सार को हम अलग अलग पक्षों से अवगत होते हैं। तो कार्यकारी योजना जब बनाई जाए तो वहां पर संश्लेषण विश्लेषण दोनों प्रकार को देखा जाए और कार्य को किया जाए। तो ये बात कार्यकारी योजना की हम जब योजना बनाए तो हम संक्षिप्त रूप और जो वर्णित रूप दोनों को आधार मानकर कार्य करेंगे, जिससे कि हम उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार से हम अवगत हो सकेंगे। अगला और लास्ट जो बिंदु है वो है हमारा समीक्षा एवं मूल्यांकन। समीक्षा एवं मूल्यांकन, देखिए समीक्षा और मूल्यांकन के अंतर्गत जब हम ये योजना बनाए, जब ये योजना राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाए तो उसकी समीक्षा की जाए कि वो किस हद तक ठीक है। ठीक है, तो समीक्षा होगी, अलग अलग पक्ष जब रखे जाएंगे तो उससे क्या होगा कि कहाँ हम गलत कदम उठाने जा रहे हैं, कहाँ पर हमें जो हम आशा कर रहे हैं, जो जो लक्ष्य जो उद्देश्य हमने निर्धारित किए गए हैं वो कहाँ हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं, इसकी बात पता चलेगी। और मूल्यांकन से ये होगा कि हम भविष्य में जब इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, जब नेक्स्ट स्टेप जो अगला चरण जो हमारा होगा उसके अंतर्गत हम उस चीज को बदलाव कर सकेंगे। तो समीक्षा और मूल्यांकन के अंतर्गत देख रहे और जो बदलाव लाया जा सकता है, जो हमारी नीति के अंतर्गत बदलाव किया जा सकता है, कार्य के अंतर्गत वो किया जा सकता है। तो ये थी हमारी कार्यकारी योजना। अब कार्यकारी योजना क्या, तो इनसे ही ज्ञात होता है कि जब 1990 का जो सम्मेलन हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन, उसके अंतर्गत जो बालकों को पढ़ाने की बात, शिक्षा की बात की गई, जो हमारा लक्ष्य है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, उसके अंतर्गत हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं कि जो विद्यार्थी अपवंचित पिछड़े बालक हैं, जो शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं किसी कारणवश, उनको जोड़ा जाए। तो ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक सम्मेलन किया गया, और सम्मेलन के अंतर्गत जो बातें की गई, उत्तर जीविता की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, स्त्री स्वास्थ्य की, पोषण की, संरक्षण की, अधिकारों की जो बात की गई, उसके बाद बात करने के बाद बात आई कि अब क्या किया जाए। तो उद्घोषणा की गई, विश्व उद्घोषणा की गई कि हम ये स्टेप ले सकते हैं। फिर स्टेप के बाद जो चुनौतियों का जो सामना करना पड़ा कि गरीबी है, ठीक है, अशिक्षित लोग हैं, उनके कारण हमें कुछ सामना करना पड़ेगा, कोई बाहर से आकर यहाँ बसे हैं, उन लोगों को हम किस प्रकार साथ ले सकते हैं, वो बात की गई। फिर बात आई कि अब जब ये सारी बातें हो चुकी है तो क्यों ना एक योजना बनाई जाए। अब योजना के अंतर्गत हम किस प्रकार इस योजना को अप्लाई करेंगे, उसकी बात आई कार्यकारी योजना। ये कार्यकारी योजना के अंतर्गत इन चीजों को ध्यान में रखकर कार्यकारी योजना को चलाया जाएगा। अब है अंत में आपका अगले कार्य प्रश्न। इसका एक प्रश्न जो निबंधात्मक प्रश्न के रूप में बनता है, इसीलिए आप इसको निबंधात्मक प्रश्न के रूप में इसका विश्लेषण करेंगे। जो 14 बिंदु मैंने आपको बताया है उसको आपको
कार्यकारी योजना का वर्णन करें। ठीक है, तो आपको कार्यकारी योजना का वर्णन करना है और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क पहने या फेस को कवर करके जाए। बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस जरूर मेंटेन करें। यदि आप सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं तो हाथों को